विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हुए हैं हरिवंशपुर पंचायत है और हमारे साथ यहाँ के मुखिया वशिष्ठ सिंह जी मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, ये हरिवंशपुर जो पंचायत है ये दिनारा प्रखंड के अंतर्गत आता है, रोहतास जिले के अंतर्गत दिनारा प्रखंड है और यहाँ हरिवंशपुर पंचायत है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ के मुखिया वशिष्ठ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं 2 साल 4 महीने के कार्यकाल में इन्होंने अपने पंचायत को कहाँ तक विकास किया है। लगभग 2.5 साल का कार्यकाल रहा और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं यहाँ के मुखिया वशिष्ठ सिंह जी से। सबसे पहले हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। जानना चाहेंगे मुखिया जी, बिहार सरकार का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, आपके अनुसार एक कैसी योजना है? नहीं, ठीक है, चल ये रहा है, ठीक सब चला रहे हैं, 3 गो यहाँ काम खोल दिए हैं और 4 गो हमारे यहाँ अभी चाहिए। योजना आपके अनुसार अच्छी योजना है? हाँ, अच्छी है। यदि हम बात करें मुखिया जी आपकी ये जो पंचायत है, तो इस पंचायत की बात करें, हरिवंशपुर पंचायत है ना, हरिवंशपुर पंचायत में टोटल गाँव कितने आते हैं? 8 गाँव। 8 गाँव, कौन कौन गाँव है? हरिवंशपुर टोला, धनवाट मठिया, भलने, दुबे डिहरी, हरिका, नौवा, समर। और इसमें टोटल वार्ड कैसे टोटल? 15 15। अच्छा, 15 वार्ड में टोटल चयनित कितने का है? चयनित कितना हो चुका है? 13। 13 चयनित? आपकी पंचायत ओडी हो चुकी है? ओडी हो चुकी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। 13 हुआ, डेट भी दे देते, बता देंगे कब हुआ। 30/6/2017। अच्छा, 30/6/2017। बहुत सुंदर। तो ये जो आपका जो वार्ड चयनित हो चुका है, 13 वार्ड चयनित हुआ ना जी, तो 13वें वार्ड में काम चल रहा है? अभी नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ 3 वार्ड में काम चल रहा है। 4 वार्ड अभी हाल ही में चयनित होकर गया है। उसको हम लोग पैसा आया। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है और काफ़ी सुंदर ढंग से आप अपने पंचायत को डेवलप कर रहे हैं। हम आए देखे भी, बड़ा अच्छा लगा। जानना चाहेंगे मुखिया जी, शौचालय पे सरकार का, केंद्र सरकार का काफ़ी जोर है और काफ़ी अग्रसर है लोग शौचालय के प्रति। जानना चाहेंगे, यदि हम आपकी पंचायत की बात करें तो कितने परसेंट शौचालय घरों में बने हैं? हमारे यहाँ परसेंटेज नहीं, मैंने कि हमारे यहाँ 970 का हमारा लक्ष्य था, जो 775 में बना था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका अभियान कहा जाएगा और लगभग लगभग परसेंटेज में काफ़ी 90% सक्सेस है। यदि हम बात करें कि 100% सफलता की, तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, कब तक आपके पंचायत 100% शौचालय? या अगर हमारे यहाँ जो भी छूटा हुआ है जी, अगर हमको अभी सरकार दे की आप सूचना करके आज सर्वे करके दीजिए तो हम तुरंत करके दे देते हैं और करा देंगे। यानी कि बहुत जल्द आप चाहेंगे तो कर सकते? बहुत जल्द चाहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सार्वजनिक शौचालय की भी बात चल रही है? सार्वजनिक शौचालय की कहाँ बात चल रही है, जब हमारे प्रखंड में नहीं है तो पंचायत में तो छोड़िए ना, प्रखंड में कहीं सार्वजनिक शौचालय नहीं है? नहीं है। आपने इस पे बात नहीं किया सीओ से? हम बात किए हैं, तो कहेंगे जमीन हम आपको देंगे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जो आपकी पंचम योजना थी, इसके माध्यम से आपने क्या कराया है? अभी तो हम यहाँ देखिए रहे हैं, यहाँ कराए हैं पंचम से। अभी वो 63 फीट का भी हमारे को करना है, जो भी खाता खुल चुका है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी आपको देख रहे हैं। जनता को सपोर्ट के लिए, ताकि आप इस पंचायत को आदर्श पंचायत बना सके, इसके लिए सरकार से आप क्या चाहेंगे? सरकार से चाहेंगे कि हमको सुविधा दिया जाए, आदर्श पंचायत बना दें। आप पहली बार मुखिया बने? पहली बार बने। बहुत सुंदर, आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही है वशिष्ठ सिंह जी हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिवंशपुर पंचायत है और हरिवंशपुर पंचायत के मुखिया हैं। काफ़ी सुंदर ढंग से अपने पंचायत को डेवलप करने में लगे हैं, आदर्श पंचायत बनाने में लगे हैं। इनका टोटल जो ये पंचायत है, इनका पंचायत ओडीए भी हो चुका है। काफ़ी सुंदर ढंग से ये तैयार है कि हम सरकार को लिस्ट भी दे सकते हैं। काफ़ी 700 से ऊपर घरों में शौचालय भी बन चुके हैं। सरकार की अच्छी योजना को तारीफ करते हुए मुखिया जी ने काफ़ी सुंदर ढंग से अपने पंचायत को डेवलप किया है। इनका कहना है कि अच्छी तौर से हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, तत्परता और लगनशीलता से लगे हुए हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं है और सरकार से हम यही मांग करेंगे कि सरकार जो भी उचित व्यवस्था हो हम लोगों को दे, ताकि हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत। अगर हमको सुविधा मिले तो हम पूरा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन संजय ओझा के साथ। थैंक यू।